गाइस, फाइनली आई एम डूइंग दिस डिटेल्ड होम टूर ऑफ माय 2 BHK अपार्टमेंट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. तो चलिए हमारा जो रूम टूर हम शुरू करते हैं. तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस, विच इज दिस प्लेस. दिस इज द स्टेयरकेस. एज यू कैन सी, बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पर मेरे यहाँ. दिस इज द एंट्रेंस डोर ऑफ द हाउस. एंड यहाँ पे थोड़े से प्लांट अगेन हैं. जो ये जो प्लांट्स हैं, दो प्लांटर्स आप देख रहे हैं, इसको फिलोडेंड्रन बोला जाता है. ये हाउस प्लांट की तरह इंडोर भी आप यूज कर सकते हैं. मैंने इसको यहाँ पे रखा है क्योंकि ये बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है. तो ग्रीन प्लांट और जेड प्लांट जो भी आप बोलेंगे. सो दिस इज हेयर. दिस इज अ वेरी मिनी प्लांटर. और अभी मेरा बैल्कनी मैंने बहुत ज्यादा क्लीन रखा है, इसीलिए प्लांट्स सब बाहर मैं ले आई हूँ, स्टेयर्स में ले आई हूँ, ताकि यू नो ग्रीनरी अगर बैल्कनी में भी नहीं है तो एटलीस्ट बाहर तो रहना ही चाहिए. नाउ लेट्स मूव इन इनसाइड एंड सी आवर लिविंग एरिया. कम ऑन. तो जैसे ही हम यहाँ से एंटर करेंगे, दिस इज द लिविंग एरिया. यहाँ का जो हॉल है ये काफी ज्यादा बड़ा है, नो डाउट. लेकिन यहाँ पे बहुत कम सामान है, बहुत ज्यादा चीजें मैंने नहीं रखा हुआ है क्योंकि मेरा बेबी अभी छोटा है तो वो खेलता है बहुत ज्यादा, इधर उधर होता है, तो उसके लिए स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत है. इसी की वजह से हमने बहुत कम यू नो मिनिमल चीजें रखी है घर पे. तो हम यहाँ से एंटर करेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इज दिस शू रैक. एक्चुअली इसको मैंने कस्टम मेड है, ये भी काफी ज्यादा बड़ा है तो इसको एज अ क्लोजेट भी आप यूज कर सकते हो, बट फॉर द टाइम बींग हम इसको एज अ शू ऑर्गेनाइजर यूज कर रहे हैं. इसके ऊपर थोड़े से डेकोरेशन वाले सामान हैं जो कि यू नो बहुत मिनिमल है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखा है. मुझे बहुत ज्यादा चीजें सजाने की आदत नहीं है क्योंकि आई डोंट वॉन्ट सारी चीज डस्ट हो जाए एंड उससे बहुत काम बढ़ जाता है. सो एज अ रीजन 2-3 थिंग्स आर देयर ऑन टॉप ऑफ दिस शू रैक. दो टी लाइट होल्डर यहाँ पे रखा है. अभी जस्ट दिवाली गई है तो उसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है. एंड देयर इज अ स्मॉल की रिंग जहाँ पे हम अपना कीज वगैरह हैंग करते हैं. एंड देयर इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजर. ये बहुत काम की चीज है. जो भी जरूरत का सामान होता है, लाइक सैनिटाइजर हो गया, मैच स्टिक, सीजर, ये सारी चीज हम यहीं पे रखते हैं ताकि ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. एंड देन व्हेन यू कम इनसाइड यू गेट दिस स्मॉल लिटिल स्पेस जहाँ पे हमारा काउच एंड सोफा जो भी आप बोल सकते हैं वो है. सो दिस इज बेसिकली द कॉर्नर एरिया. दिस इज द सोफा दैट वी हैव करेंटली विद अस. ये सिंगल दो सीटर का है और ये 3 सीटर का है. व्हाइट कलर का कवर डाला हुआ है विद द कुशन विच इज लुकिंग गुड. इसके नीचे है हमारा छोटा सा कारपेट. ये कारपेट को मैं कभी कभी मल्टी यूज कर लेती हूँ. मुझे अगर जरूरत पड़े तो मैं इसको बैल्कनी पे भी रख देती हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं यहीं पे ही डाल देती हूँ. एंड क्योंकि अभी विंटर है तो काफी काम में आता है ये. एंड इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द हॉल विच इज दिस एरिया. यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट है और ये एक छोटा सा टेबल है विच इज यू नो मल्टी यूजेबल. कुछ भी हम यहाँ पे रख सकते हैं. एंड इसके साइड पर ये जो छोटा सा कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये मेरे बेबी का प्लेइंग एरिया है. हियर वी हैव अ स्मॉल मैट है एक्चुअली. एंड इसके ऊपर एक कॉर्नर में टेबल है जिसको कि मैंने उसके सारे टॉयज से ही सजा के रखा है. सो दैट वो देख के उसको अच्छा लगता है, वो यहीं पे खेलता है. एक्चुअली उसका प्ले हाउस यही है, यहीं पे वो खेलता है और सारे टॉयज मैंने यहीं पे रखा हुआ है. उसका कार है, बॉल्स है, सब कुछ यहीं पे ही है. हाँ, पे साइड पे आप देख सकते हो ये एक्चुअली विंडो है. ये दिस इज स्मॉल साइज विंडो, लेकिन हमने यहाँ पे डोर कर्टन्स ही डाले हुए हैं. हम डोर कर्टन्स डालते हैं ना तो पूरा घर का जो लुक है वो चेंज हो जाता है. आप अगर डोर विंडो कर्टन्स लगाते हैं तो मेक श्योर आप उसको एक बार चेंज करके देखिए. विंडो योर एम्बियंस ऑफ द रूम विल चेंज इंस्टेंटली एंड यू विल फील वेरी वेरी गुड. एंड इसके साइड पे जो छोटा सा स्पेस है ना वॉल का, इसको मैंने DIY किया हुआ है. ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट जरूर कर लेना. लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और इन द आई बटन. और यहाँ पे जो भी स्टेंसिल का वर्क आप देख रहे हैं, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है. वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन यस इट नीड्स पेशेंस. तो आप अगर आपके पास पेशेंस है तो इजिली पूरे वॉल को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं. क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा सेक्शन था तो इसको मैंने पूरा स्टेंसिल वर्क किया हुआ है. एंड यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेम है, नॉट दैट बिग थिंग, लेकिन हाँ यहाँ पे एक छोटा सा रखा है ब्राउन कलर का, ताकि ये जो पूरा घर का थीम है वो थोड़ा मिक्स एंड मैच हो जाए. एंड मुझे लगता है कि ब्राउन टोन में सारी चीज घर को कॉम्प्लीमेंट करता है एंड यू नो ओवरऑल लुक जो है वो ठीक ठाक लगता है. फिर आप नीचे देख सकते हो दो ऑटोमैन हैं जिसमें कि आप यू नो कभी भी अगर ज्यादा टेबल चेयर की जरूरत पड़ेगी तो ये यूज हो सकता है. तो यहाँ वृंदावन गए थे तो ऑन द वे हमको लोकल स्ट्रीट मार्केट में ये दिख गया था. तो ये दो ऑटोमैन जो है ये हैंडमेड है, तो इसको मैंने वहीं से परचेज कर लिया था. एंड मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो ये यूज आ ही जाएगा, वेदर इट इज इन
लिविंग एरिया और हम इसको बैल्कनी एरिया या फिर जहाँ पे हम अपना सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं. वेरी ब्यूटीफुल हैंडमेड थिंग्स ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल एंड कूल. सो नाउ इस मूव ऑन टू दी वॉल. ये काउच के ऊपर जो वॉल आप देख रहे हैं ना ये एकदम वेकेंट अच्छा नहीं लग रहा था मुझे. तो लास्ट 2-3 ईयर्स से ये इसी तरह से है. 2-3 पेंटिंग्स ऐसे हैं जिसको मैंने अमेजोन से परचेस करके यहाँ पे लगा दिया है. एंड दिस गिटार, माय हस्बैंड लव्स प्लेइंग गिटार, ही इज लर्निंग गिटार, उनको बहुत पसंद है तो इसी की वजह से गिटार उन्होंने लिया था. मैंने एज ए डेकोर पीस इसको यहाँ पे रख दिया है. सो ये जो वॉल आप देख रहे हैं ये वाला वॉल ये एकदम वेकेंट है. यहाँ पे कुछ भी हमने नहीं लगाया है. ये साइड में जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं ये बेसिकली पैसेज एरिया तक जाता है. यहाँ पे कर्टन्स भी वही डोर कर्टन्स हैं जो कि वहाँ पे विंडो के जगह पे लगाया था. सो ओवरऑल दिस इज द लिविंग एरिया. इज ऑल अबाउट दिस लिविंग एरिया. लेट्स मूव ऑन टू द पैसेज एरिया और वहाँ पे जो कुछ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. लेट्स गो. लिविंग रूम से निकल के ये रूम से निकल के ये बीच वाला जो एरिया है दिस इज द पैसेज एरिया. एज यू कैन सी बहुत ही छोटा सा स्पेस है. यहाँ पे बहुत सारी चीज हम नहीं रख सकते हैं. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे हमारा जो मशीन है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है. दिस इज अ IFB का मशीन जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है हम लोग के लिए. और इसके जस्ट साइड में एक वॉशरूम है तो ये अटैच नहीं है, बाहर ही है ये वॉशरूम. तो आगे आएंगे तो ये जो पतला सा गली आप देख रहे हो दिस इज द पैसेज एरिया. और यहाँ पे हमने अपनी पूजा का जो भी एरिया उसको बनाया हुआ है क्योंकि हम लोग अपना पूजा एंड ऑल ये सब करते हैं. और ये जो डोर आप देख रहे हैं ये सीधा मेरे किचन पे जाता है. एंड ये जो डोर आप देख रहे हैं ये मेरे बेडरूम पे जाता है. तो पैसेज एरिया के बाद हम सीधा एंटर करेंगे हमारे मास्टर बेडरूम पे जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है. कम क्लोजर आई शो यू एवरीथिंग बिट बाय बिट जो भी मेरे बेडरूम पे है. तो क्योंकि ये 2 BHK का अपार्टमेंट है तो यहाँ का जो क्वार्टर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बट इट इज मैनेजेबल फॉर 2-4 पीपल. तो ये है हमारा बेड, दी किंग साइज बेड है ये. एंड इसको हमने कस्टमाइज करवाया हुआ है एक्चुअली. तो देखो ये जो बेडरूम है इसका जो थीम मैंने रखा है ना इट इज ऑलमोस्ट लाइक ब्लू एंड टर्कोइज मिक्स है. तो ये जो कलर है ये मुझे एक्चुअली इतना ज्यादा फेवरेट है कि मेरे फोन से लेके मेरे घर से लेके मेरे किचन तक Everything is of this 2 and 3 colors. Blue shade आपको मिल जाएंगे. टर्च जरूरत पड़ेगी तो ये बेड को मैं यहाँ का जो कवर है ना ये जो मटेरियल है रेगुलर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर यू नो स्टाइल. हमको कभी अगर नहीं पसंद है ये कलर तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. कानपुर से स्पेशली बनवाया है, कस्टमाइज किया हुआ है एंड वी आर सो हैप्पी विद दिस परचेज. नाउ इस बेड की खासियत ये है कि हमने इसमें दोनों साइड में ड्रॉयर्स लगवाए हुए हैं जो कि दोनों साइड वाइज खुलता है. तो इजिली हम अपना जो भी विंटर वेयर है या फिर सीजनल जो भी कपड़े हैं सब कुछ दोनों साइड स्टोर करके रख सकते हैं. एंड इसको ओपन करने में कोई झंझट भी नहीं है, इजिली जो ड्रॉयर्स है वो खुल जाते हैं. साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 साइड टेबल रखा हुआ है. एज यू कैन सी द वन इज हेयर और साइड टेबल के ऊपर एक छोटा सा लैम्प है और जस्ट साइड में मैंने एक स्नेक प्लांट रखा है जो कि होम डेकोर के लिए मुझे अच्छा लगता है. एक्चुअली प्लांट्स अगर हम रूम में ऐड करते हैं ना तो वो बहुत सारा ब्यूटीफुल लगता है. एंड क्योंकि ये घर को मैंने एकदम वाइट वॉश कराया था तो इसीलिए थोड़ा सा यू नो ये ब्राइट लगता है. हमेशा हम कलर्स ऐसे चूज करते हैं घर के लिए जो कि ब्राइटर एंड स्पेशियस भी हमको फील दे. सो दैट इज द रीजन दिस इज दिस कॉर्नर ऑफ द रूम. एंड यहाँ पे जो कर्टन है ये अगेन ब्लू टोन में है और इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे वी हैव द विंडो एरिया एक्चुअली. लेकिन यहाँ पे मैंने डोर कर्टन ही लगवाया है ताकि इसका लुक जो है वो अच्छा आएगा. एंड ही कॉर्नर पे आप देख सकते हैं दिस इज बोथ ऑफ आवर कबर्ड्स, माइन एंड माई हस्बैंड्स कबर्ड. तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे सारे जो क्लोथिंग आइटम्स है सब कुछ इसमें आ जाता है. कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी अदर कबर्ड एक्सेप्ट दीज क्योंकि हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है. एंड इसके ऊपर लॉफ्ट वाला एरिया है आप देख सकते हो जिसमें कि हमारा जितने भी ट्रॉलीज हैं, ब्लैंकेट्स हैं जो कि अभी अनयूज्ड है वो सारा हमने वहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है. सो देखा जाए तो ओवरऑल प्रॉपर स्टोरेज एरिया है इस घर पे एंड इसी के लिए मुझे ये काफी अच्छा लगता है. एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे तो लाइट पे आप देख सकते हो ये वाला मिरर है जो कि अगेन कस्टमाइज किया हुआ है. इस मिरर को हमने जाके स्पेशली यू नो शॉप में जाके अपने हिसाब से शेप ड्रॉ करके मैंने ये मिरर बनवाया था. यहाँ पे जो भी लाइट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी कस्टम मेड है, सब कुछ DIY करके बनाया हुआ है. इसके साइड में जो भी लीव्स एंड ये पैटर्न आप देख रहे हैं ये सब कुछ DIY है. इसका प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे, इनकेस आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या तो मैं i बटन पे डाल दूंगी. प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वॉल बेसिकली. तो मुझे पर्टिकुलरली ये मिरर ये अच्छा क्यों
क्यों लगता है, बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि मैं और एक ड्रेसिंग टेबल एंड यू नो अपना एक अच्छे से कोई मिरर एरिया फिक्स करूँ. एंड मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, लेस स्पेस में आप मैनेज कर सकते हो. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वॉल. तो आप देख सकते हो बेड के दूसरे कॉर्नर पे भी हमारा एक साइड टेबल है जिसके ऊपर यहाँ पे हमने हमारा स्पीकर रखा है जो कि सोनी का है, और हमें आदत है म्यूजिक सुनने की एंड वी लव म्यूजिक. डांसिंग हमको बहुत ज्यादा पसंद है तो इसीलिए हमने इसको यहीं पे फिक्स करके रखा है ताकि जब भी जरूरत पड़े हम फटाक से अपना रिमोट ऑन करें एंड विल बी एबल टू लिसन म्यूजिक एंड सॉन्ग एंड डांस ऑन दैट. सो साइड में एक प्लांटर है जो कि अगेन एड्स ब्यूटी टू योर होम. एंड जस्ट बेड के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा पेंटिंग मैंने लगाया है विच इज ब्यूटिफुल पेंटिंग विच इज गिफ्टेड बाय समबडी. एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था. लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड इट गोज सो वंडरफुली विद द वाइब ऑफ द रूम. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है एक तो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है पूरे रूम को एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ही अलग सा पॉजिटिव वाइब देता है. एंड या दैट्स ऑल अबाउट दिस पेंटिंग एंड दिस बेड. आई लव इट सो मच. एंड इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक बड़ा सा यू नो एरिया मिलेगा जहाँ पे मैंने एक्चुअली डोर कर्टन्स डाले हुए हैं. एक्चुअली यहाँ पे विंडो ही है, आप देख सकते हो ये सारे विंडोज ही है ग्लास के. ये सबको मैंने होम सेंटर से परचेज किया था. होम सेल चल रही थी होम सेंटर पे तो वहां पे जाके मैंने ये चूज करके परचेज किया था, ऑफलाइन ही जाके परचेज किया था. अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऐड करने का. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सेक्शन. तो यहाँ पे अगर हम ये कर्टन्स को रिमूव करेंगे तो यू गेट अ डोर राइट हियर. तो ये डोर सीधा मेरे बेडरूम की बैल्कनी पे खुलता है. सो बेसिकली दिस इज माई बिगेस्ट बैल्कनी ऑफ द हाउस. बहुत ही बड़ा सा बैल्कनी है लेकिन इस बैल्कनी को एकदम वेकेंट रखा है क्योंकि मेरा जो बेबी है वो यहाँ पे खेलता है. तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी क्लमजी लगे ये बैल्कनी और इधर उधर का चीज कुछ भी नहीं है. इधर जब यहाँ से बाहर आएंगे तो यू गेट दिस बिग साइज्ड बैल्कनी एज यू कैन सी. और यहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है तो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ का व्यू. यहाँ पे बैठ के हम एंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं. एंड बेसिकली जो नेट आप देख रहे हैं इसको मैंने इसीलिए लगाया है ताकि कोई भी पिजन या फिर कोई भी बर्ड्स एंटर ना करें और घर को गंदा ना करें. बेसिकली बैल्कनी गंदी भी हो जाती है. सो दैट इज द होल एंड द सोल रीजन. लेट्स मूव इन एंड आई शो यू द अदर रूम्स एज वेल. ये है हमारे बालकनी जाने का रास्ता एंड उसके साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द वॉशरूम एरिया. तो साइड पे बस इतना सा ही स्पेस है. तो बेड के जस्ट नीचे हमने यहाँ पे एक छोटा सा कारपेट रखा है विच इज़ वेरी लाइट वेट, ईजिली वॉशेबल भी है तो यहाँ पे आराम से आ जाता है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रूम. मेरे हिसाब से इस रूम को इस तरह से डेकोरेट किया है. बताना आपको ये जो घर, ये जो रूम है, ये जो बेडरूम है हमारा, आपको कैसा लगा. जैसे ही हम बेडरूम से निकलते हैं पैसेज एरिया के साइड पे ही ये डोर है जिसमें एंटर करते ही आपको मिलेगा ये छोटा सा मिनी किचन जो कि मेरा सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है पूरे घर का. एंड आई नो एवरी वुमेन्स ब्यूटीफुल प्लेस इनसाइड अ हाउस इज देयर किचन, इजंट इट. ये किचन को पूरे किचन को मैंने ही DIY किया हुआ है, पूरे किचन को मैंने पेंट किया हुआ है. दिस इज नॉट द ओरिजिनल लुक ऑफ द किचन बाय द वे. द ओरिजिनल लुक ऑफ द किचन इज लाइक दिस. ये पहले ऐसा था, अभी ये कुछ इस तरह से दिखता है. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. अगेन टर्कोइज कलर एकदम पूरे कबर्ड में. ये सारे जो पेंटिंग्स का काम मैंने किया हुआ है ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे लाइव है, गो चेक इट आउट, यू आर गोना लव दैट आई नो. एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म एरिया एज यू कैन सी जहाँ पे हमारे सारा काम यहीं पे होता है. दिस इज द स्टव, गैस स्टव. एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजर्स रखा है जहाँ पे बहुत सारे चीज मैंने रखे हुए हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस एरिया. एंड दिस इज द सिंक एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजर है जहाँ पे थोड़े बड़े सामान है जो कि यूजफुल होते हैं यूटेंसिल्स एंड वेसल्स क्लीन करने के लिए. एंड ये जो एरिया है ना, ये मेरे लिए दो तीन लोगों के लिए किचन सफिशिएंट है. बट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल किचन. लेकिन स्मॉल किचन को भी आप अच्छे से अगर यूटिलाइज करेंगे स्पेस को तो बहुत ईजिली सारे चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो. वन थिंग दैट इज इनसाइड माई किचन इज दिस क्रॉकरी यूनिट एंड ऑल्सो दिस माइक्रोवेव. एवरीथिंग इज हेयर. दिस इज द कप एंड द कॉफी एरिया. यहाँ पे भी मैंने कुछ कप्स को इस तरह से डेकोरेट कर रखा है. एंड दैट इज इट ऑल अबाउट दिस किचन.
किचन, बहुत सारा सामान यहाँ पे नहीं है बट जितना भी है मेरे काम के चीज ही है। और मैंने हमेशा कोशिश किया है कि कम स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज करें। एंड या आपको कैसे लगा किचन जरूर बताना। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो ये आता है मेरा दूसरा वाला बेडरूम। कम क्लोजर एंड शो यू एवरीथिंग दैट इज इनसाइड दिस रूम। तो इस रूम को, इस बेडरूम को मैंने अपना शूट रूम या फिर अपना जो YouTube स्पेस बना के रखा हुआ है। जैसे ही हम एंटर करेंगे इस रूम पे, दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक यू गाइस। द फर्स्ट वॉल दैट यू गेट राइट हियर इज दिस वन। एज यू कैन सी, ये पूरे वॉल को मैंने पेंट किया हुआ है। एंड स्टार्ट करते हैं इस वॉल से। तो ये जो वॉल है आप देख सकते हो, दिस इज अ फेंस यहाँ पे मैंने लगाया हुआ। इट इज गोल्डन टोन पे है ये, और यहाँ पे थोड़े से लीव्स मैंने डेकोरेट कर दिया, चीजें थोड़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे एंड द बैकग्राउंड शुड लुक ब्यूटीफुल। एंड जब भी मैं शूट करती हूँ आई वॉन्ट माई बैकग्राउंड टू बी वेरी क्लीन नीट, एंड थोड़ा सा उसमें डेकोरेशन होता है तो अच्छा लगता है, फील अच्छा देता है। एंड राइट हियर इज द दीवान कम बेड एज यू कैन सी। तो दीवान कम बेड जो आप देख रहे हैं ना, इसको मैं चाहूँ तो एज अ दीवान भी यूज कर सकती हूँ। मॉम एंड डैड मेरे साथ हैं, सो दे आर लिविंग इन दिस रूम, तो इसीलिए हम इसको एज अ डबल बेड यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मुझे जरूरत नहीं पड़ती है तो एज इट इज मैं इसको दीवान भी यूज करती हूँ। और साइड में टेबल आप देख सकते हैं जो कि कॉर्नर पे मैंने रखा है, एंड उसके ऊपर एक छोटा सा प्लांटर है। बेसिकली ये इंडोर प्लांट है डेफिनबिचिया, आपको पता होगा ये प्लांट ऑलरेडी इतना सुंदर दिख रहा है, घर के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। रियल प्लांट में से मुझे लगता है ये एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप रख सकते हो। एंड इस वॉल के बाद हमारा ये वॉल आता है। ये वॉल को थोड़ा सा मैंने दिवाली के लिए डेकोर किया था, तो दिस इज वेरी बेसिक सा फ्लावर लगाया है, थोड़े से लाइट्स है। ये ऑलरेडी आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि बैकग्राउंड इस तरह का था, सो अभी भी ये ऐसे ही है, कुछ दिन के लिए ऐसे ही रहेगा बिकॉज अभी तो सेलिब्रेशन और फेस्टिवल का टाइम है। इसके जस्ट साइड में मैंने अपना रिंग लाइट रखा है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं अपना मेकअप करती हूँ बैठ के, और यहाँ पे रिंग लाइट लगाती हूँ। सो आपको ये वाला बैकग्राउंड देखने को मिलता है, और कभी कभी ये वाला बैकग्राउंड भी आपको देखने को मिलता है। सो जो भी कॉन्टेंट क्रिएशन का काम होता है सब यहीं से होता है, और यहीं से ही सारे वीडियोज निकल के आते हैं। सो आफ्टर दैट आप देख सकते हैं साइड में ही मेरा ये छोटा सा टेबल है। ये एक्चुअली मेरा वर्किंग एरिया है, जहां पे मैं बैठ के अपना जो भी काम है, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे मेरे वर्क से रिलेटेड हो, एवरीथिंग आई डू इट हेयर बिकॉज ये कॉर्नर एरिया है, यहाँ पे बैठना मुझे अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे दो फ्लोटिंग शेल्फ मैंने लगाया है, थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन किया है, नोटबुक्स, लैपटॉप एंड जो भी सारी चीजें मेरे वर्क के लिए जरूरी है, यूट्यूब के लिए जरूरी है, एडिटिंग के टाइम जरूरी है, सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा है। एंड इसके अंदर भी सारे वैसे ही चीजें हैं, छोटा सा माइक भी है। मैं नॉर्मली सिंगिंग एंड ऑल भी करती हूँ, तो उसके लिए मुझे माइक की जरूरत होती है। समटाइम्स आई गिव वॉइस ओवर थ्रू दिस माइक। यहाँ पे बैठ के मैं अपना जो है काम वो करती हूँ। तो बेसिकली ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है अभी। मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पेस है मेरे लिए, बिकॉज ये मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था इस कॉर्नर का डेकोर करने के लिए, उसको भी चेकआउट कर लेना। जस्ट बिसाइड दिस यू कैन सी, यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा डोर कर्टन्स मैंने लगाया है। एक्चुअली यहाँ पे एक डोर है जो कि बालकनी की तरफ खुलता है। सो अभी रात हो चुकी है तो मैं ज्यादा बालकनी आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट वी हैव 3 नंबर ऑफ बैल्कनीज इन दिस हाउस। ये रफल वाले कर्टन्स ऑर्डर किए थे बहुत दिन पहले, एक्चुअली ऑर्डर किया था। एंड दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ द होल रूम, क्योंकि ये पूरे रूम को एक डिफरेंट वाइब देता है, एंड इट इंस्टेंटली हैज चेंज्ड द एंटायर लुक ऑफ माई स्मॉल यूट्यूब स्पेस। एंड इसके साइड में छोटा सा मैंने ये येलो कलर का प्लांटर रखा हुआ है, जिसमें कि अगेन दिस आर्टिफिशियल लीव्स, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्लांटर के साइड पे यहाँ पे एक बड़ा सा कबर्ड है, जैसे कि उस बेडरूम में भी था। तो इस कबर्ड में सारे वो सारे कपड़े हैं जो कि मेरे शूट के टाइम यूज होता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि यू नो जरूरत का सामान, सब कुछ मैंने इसके अंदर रखा है। आई डोंट लाइक थिंग्स टू बी विजिबल एवरीवेयर, आई नीड एवरीथिंग इनसाइड द कबर्ड, तो इसी के अंदर ही सारा चीज है। और उसके ऊपर भी आप देख सकते हो एक लॉफ्ट है छोटा सा, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं घर के जो कि अनयूज्ड है, करेंटली हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो वहीं पे हम लोग स्टोर करते हैं। एक एडिशन है जो यहां पे मैंने रखा है इज दिस फ्रिज, क्योंकि दूसरा
कहीं पे मेरे पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है। उसके ऊपर भी एक छोटा सा मैंने प्लांटर रखा है विद दैट व्हाइट कलर का ऑर्गेनाइजर। तो हियर वी हैव दिस एलेक्सा, जब भी मुझे म्यूजिक सुनने की जरूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से सुन सकती हूँ। और इसके साइड पे ये जो वॉल देख रहे हैं ये एकदम से वेकेंट था, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्रेम्स मैंने ऐड कर दिया है, यू नो मल्टीपल कलर्स हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है एंड एज ए बैकग्राउंड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इतने पॉजिटिव कोटेशन सब लिखा हुआ है तो इट गिव्स मी ऑलवेज अ गुड मोटिवेशन ऑल द टाइम। दिस इज ऑल अबाउट दिस वॉल, फ्रेम्स के साथ हमने इसको डेकोर किया है। एंड और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मेरा जो बेड है ना ये कस्टम मेड है, इसको हम चाहे तो डबल बेड की तरह भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरेज एरिया है, अगर मैं ये पोर्शन को यहाँ से उठाऊंगी ना तो यहाँ पे ये पूरा स्टोरेज एरिया है, तो मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ लाइक सोफा कवर, ब्लैंकेट्स, ब्लेजर्स, जो भी मुझे लगता है कि इट शुडंट गेट डर्टी बहुत जल्दी, तो इसी की वजह से यहाँ पे सारा चीज रखती हूँ मैं। एंड थोड़े बहुत कुशन से डेकोरेट किया है एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस रूम। मुझे मेरा जो ये छोटा सा स्पेस है वो बहुत ज्यादा पसंद है। And that is it. That was all about my house tour. I hope you all have enjoyed watching this. If you did, then don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and do share this video with your friends and family. I'll see you guys super soon in my next one. Till then, bye-bye.